नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज, देख रहे हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से पहले ईडी के छापे। छत्तीसगढ़ में सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 6 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा है। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल है। एजेंसी ने कोयला लेवी घोटाले कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होना है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल भी आएंगे। इसमें पहले ईडी ने छापे मारे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ये कार्रवाई अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड किया उसमें 99% विपक्षी नेता और सबसे ज़्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अडानी की सच्चाई खुलने और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से हताश हो चुकी है। भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पार्टी रायपुर में ईडी दफ्तर का घेराव करेगी। वह घेराव दोपहर बाद होगा। भूपेश बघेल ने सोमवार को ट्वीट कर ईडी के छापों की जानकारी दी। लिखा है, प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष विधायक समेत कई साथियों के घेरों पर ईडी ने छापे मारा है। 4 दिन के बाद रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन है। तैयारियों में लगे साथियों को इस तरह रोककर हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। भारत जोड़ो यात्रा सफलता और अडानी की सच्चाई खोलने से भाजपा हताश है और ध्यान भटकाने का प्रयास है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। शिवसेना के नाम निशान पर तुरंत सुनवाई नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उद्धव गुट की शिवसेना के नाम निशान से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा है कि इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत कल फिर से याचिका दाखिल करे। दरअसल चुनाव आयोग के शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान निशान देने के फैसले खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उधर शिंदे गुट के विधायक ने सोमवार को सुबह विधानसभा स्पीकर राहुल नावेकर से मुलाकात की और विधानसभा के शिवसेना कार्यालय पर दावा किया और फिर अपनी कस्टडी में ले लिया। उधव गुट की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने विवाद के निपटारे का आधार पार्टी के 1999 के संविधान को बनाया, जबकि बालासाहेब ठाकरे ने 2018 में पार्टी के संविधान में संशोधन कर दिया था। 2018 के संविधान के तहत शिवसेना अध्यक्ष पार्टी में सर्वोच्च होंगे। पार्टी में किसी को निकालने बैठक करना या पार्टी को किसी को भी शामिल करने का आखिरी पार्टी अध्यक्ष का ही होगा। ब्लू टिक के लिए अब फेसबुक भी पैसा लेगा। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसा वसूलेगा। मेटा के फाउंडर मार्क जुगरबर्ग ने रविवार देर रात सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च करने की जानकारी दी। अभी इसे ट्रायल बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। टेस्ट के बाद अमेरिका और इसे लॉन्च किया जाएगा। जुगरबर्ग ने लिखा है, इस हफ्ते हम मेटा वेरिफाइड सर्विस शुरू कर रहे हैं। इस सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इसमें सरकारी पहचान पत्र के जरिए आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। इसमें अकाउंट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सकेगी। इसके अलावा भी कई एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़र को दिए जाएंगे। अब ये नई सर्विस प्रामाणिकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। जुगरबर्ग ने बताया कि हम इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस सर्विस को शुरू करेंगे। इसके बाद जल्द ही दूसरे देशों में रोल आउट करेंगे। इसके लिए यूज़र्स को वेब के लिए हमारी महीने $11.99 यानी करीब 1,000 रुपये और iOS वालों को $14.99 यानी 1200 से ज़्यादा चुकाने होंगे। भारत में सर्विस कब लागू होगी इस बारे में भी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। हरियाणा विधानसभा में छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री पर हंगामा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंत्री संदीप सिंह पर जमकर हंगामा हुआ। गवर्नर का भी भाषण खत्म होते ही विपक्ष ने संदीप सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। मंत्री पर जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। विपक्षियों का हंगामा देख सीएम मनोहर लाल सीट से खड़े हुए। उन्होंने कहा है कि अभी इसकी जाँच चल रही है, वहाँ विपक्ष के कहने पर इस्तीफा नहीं लेंगे। इसके बावजूद विपक्षी विधायकों को हंगामा जारी है। इसके देखते हुए स्पीकर सीट से उठे और कहा है कि इस मामले में SIT जांच करे। बिना जांच पूरी हुए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कांग्रेसी विधायक को समझाने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सत्ता में हो या विपक्ष में सभी नेताओं के खिलाफ ऐसे शिकायतें हैं जो क्या सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल को इस्तीफा लेना चाहिए। जब भाजपा उन्हें अपनी मीटिंग में नहीं बुला रही तो फिर सरकार से में मंत्री को बनाकर रखा हुआ। इस पर सीएम ने कहा है कि उनके खेल विभाग वापस लिए जा सके हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने वॉक आउट कर दिया। हालांकि कुछ महिला कांग्रेस विधायक हंगामा करती रही जिसे देख स्पीकर ने सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। हरियाणा में राजस्थान पुलिस पर एफआईआर की तलवार। हरियाणा में राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर की तलवार लटक रही है। दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने के आरोपी की गर्भवती पत्नी से मारपीट के मामले में हरियाणा पुलिस ने जांच तेज कर दी है। राजस्थान पुलिस पर गर्भवती से मारपीट करने का आरोप है। इस वजह से आरोपी श्रीकांत पंडित की गर्भवती पत्नी कमलेश के पेट में पल रहा 9 महीने का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उसको लेकर नू में स्थित तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं कुछ समय बाद हरियाणा पुलिस नलहर मेडिकल कॉलेज में मृत शिशु को पोस्टमार्टम के करवाने जारी। कल मृत बच्चे का शव शमशान में मिट्टी से बाहर निकाला गया तो हरियाणा पुलिस ने मुताबिक अगर डॉक्टरों को बॉर्ड बच्चे का पोस्टमार्टम करेगा तो अगर ये पुष्टि होती है कि बच्चे की मौत गर्भवती से मारपीट की वजह से हुई तो बच्चे को अंदर चोटें लगी तो फिर केस दर्ज होना तय है। वहीं आरोपी श्रीकांत की पत्नी कमलेश की हालत भी गंभीर बनी हुई है। वह मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती हैं। बागेश्वर धाम आई 10 साल की बच्ची की मौत। राजस्थान के बाड़मेर परिजनों के साथ छतरपुर के बागेश्वर धाम आई 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को मिर्गी की बीमारी थी। परिजनों का कहना है कि बच्ची बाबूजी में भभूति भी दी थी फिर वो भी नहीं बची। बाबूजी ने हमें कहा है कि इसे लेकर जाओ। भास्कर रिपोर्टर के बागेश्वर धाम की पीठाश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने करीबी माने जाने वाले धाम में जुड़े नरेंद्र चौबे की बच्ची की मौत के मामले में संपर्क करना चाहा तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर में 17 फरवरी को 10 साल की बच्ची विष्णु कुमारी पिता बुधराम माँ धम्मू देवी और मामी गुड़दी की बागेश्वर धाम आई थी। परिजनों के ने बताया है कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं और हम लोग ने यहाँ के चमत्कार के बारे में सुना है तो बेटी को लेकर यहाँ आने पर बच्ची की जान चली गई। परिजनों का कहना है कि शनिवार रात भर ही बच्ची जागती रही। उसे मिर्गी के दौरे भी आए। रविवार दोपहर में उसने आंखें बंद करी तो हमें लगा कि उसे नींद आ लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई और हमें शक हुआ तो जिला अस्पताल लेकर आए। वहां आने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में। हरियाणा अब देश का परमाणु ऊर्जा में योगदान देगा। केंद्र सरकार उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में स्थापित करने जा रही है। यह प्लांट हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में बनाया जाए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि हरियाणा के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के परमाणु क्षमता बढ़ाने की प्राथमिक अनुरूप यहां प्लांट होगा। पिछले 8 सालों में देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े फैसले ले चुके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना मोदी सरकार द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार हरियाणा में परमाणु ऊर्जा विभाग को परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के साथ शुद्ध उद्यम बनाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय के लिए क्षेत्र आशाओं से भरा हुआ। इन प्रोजेक्टों के जरिए देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। नोएडा के लाइफलाइन एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ। सोमवार को दिल्ली में नोएडा ग्रेटर नोएडा आगरा लखनऊ जाने वाली गाड़ियां सुबह 9 बजे से रेंग रेंग कर चल रही है। इसकी एक बड़ी वजह है DND लूप बॉटल नेक भी है। DND और चिला बॉर्डर से आने वाली यातायात मिलने के स्थान पर बॉटल नेक बनता है। इसमें ट्रैफिक की रफ्तार स्लो हो जाती है। इसके आगे एक्सप्रेसवे पर रीसरफेसिंग की जा रही है। एक्सप्रेसवे मार्किंग का काम जारी है। इसके अलावा 2 अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में एक्सप्रेसवे की 2
लेन को बंद कर दिए। इस कारण वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। पीक ऑफर्स में ये एवरेज प्रति घंटे करीब 30 से 35 हज़ार गाड़ियाँ चलती है। नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेसवे पे कुल 24.53 किलोमीटर लंबा है। इसमें 20 किलोमीटर का हिस्सा नोएडा में आता है। ये एक्सप्रेसवे 22 साल पहले 2002 में शुरू हुआ था। ये 6 लेन का है। नोएडा प्राधिकरण में इसमें 400 करोड़ रुपये में बनाया था। चौदह मई को हो सकता है धोनी का फेयरवेल मैच। आईपीएल का 16वां सीज़न 31 मार्च में शुरू होना है जो 28 मई तक चलेगा। रिपोर्टर्स के अनुसार मौजूदा सीज़न महेंद्र सिंह धोनी का बतौर खिलाड़ी आखिरी सीज़न हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों में इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक अगर टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती तो 14 मई को चेपक स्टेडियम धोनी के फेयरवेल मैच की मेज़बानी करेगा। इसमें CSK का सामना KKR से होगा। हालांकि CSK आखिरी लीग मुकाबला नहीं होगा। टीम को अंतिम लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स से दिल्ली में 20 मई को खेलना है। लेकिन रिपोर्टर्स के अनुसार धोनी चेपक में फेयरवेल मैच खेलना चाहते हैं। उन्होंने 2021 में ये बात कही थी कि वह चाहते हैं कि चेन्नई में अपना आखिरी T20 खेले। CSK के अधिकारी के अनुसार ये खिलाड़ी के तौर पर ये MS का आखिरी सीजन होगा। हम यही जानते हैं कि लेकिन जाहिर यह है कि उनका फैसला धोनी की कप्तानी। CSK ने 4 IPL और 2 चैंपियंस लीग जीती है तो जीत प्रतिशत 96.60 में IPL में 100+ मैच जीतने वाले इकलौते कैप्टन हैं। टीम ने 2004 मैच में 121 जीते थे। 20 ओवर में बेस्ट बल्लेबाज हैं। IPL के 20वें ओवर में 500+ रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। 554 रन बना चुके हैं। अक्षय कुमार के लिए फैंस की दीवानगी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी का जोरों शोरों से प्रमोशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके बॉडीगार्ड्स ने एक फैन को पीछे धकेला लेकिन अक्षय ने उनको बुलाया और गले लगा लिया। दरअसल रविवार 19 फरवरी को अक्षय कुमार एक इवेंट में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने काफ़ी धमाकेदार एंट्री मारी। इस दौरान जब वो फैंस को मिलने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद एक शख्स उनसे मिलने के लिए बैरिकेड कूद आया। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पीछे धकेला लेकिन फैन के दीवानगी देखकर अक्षय ने खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लेकर सेलिब्स अक्षय कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समय चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।